नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अबिल गुरु शिक्षा में। शून्य से एक की ओर दाएं तरफ जाके आप YouTube में प्रवेश पाएं। प्रवेश पाते ही लिखें अबिल गुरु। दाएं तरफ लाल रंग के प्रतिरूप को दबाएं और अबिल गुरु शिक्षा में सदस्यता प्राप्त करें। घंटी के प्रतिरूप को दबाएं। आगे आने वाली अधिसूचना के लिए अग्रसर। मेरे माध्यम में प्रवेश पाएं। चलचित्र अथवा चलचित्र सूची में प्रवेश करें। किसी भी सूची में प्रवेश करें। किसी भी चलचित्र को देखें। पसंद के प्रतिरूप को दबाएं। साझा करें सभी को, फेसबुक से, ट्विटर से, गूगल प्लस से, ब्लॉगर आदि से। अपने ज्ञान को एक कदम ऊंचा करें और सदा मुस्कुराएं। सभी का धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अबिल गुरु एजुकेशन में। आपके एडमिट कार्ड आने की मोस्ट प्रोबेबली चांसेस जो है वो 13 नवंबर को हैं। ध्यान से सुन लीजिए, 13 नवंबर को आपके एडमिट कार्ड आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। और जो पेपर होने के चांसेस जो देखे जा रहे हैं वो 26 नवंबर यानी कि 26 नवंबर को हैं, या नेक्स्ट संडे 3 दिसंबर यानी कि 3 दिसंबर को होने के चांसेस हैं। अच्छा, दो बातें और कर रहे हैं। इस एडवर्टीजमेंट में जो सिलेबस था उसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। कंप्यूटर साइंस सिलेबस फॉर साइंटिस्ट असिस्टेंट ए और सिलेबस फॉर साइंटिस्ट ऑफिसर एस बी, दोनों का सिलेबस सेम है। ये देख लीजिए, सिलेबस में स्क्रॉल कर रहा हूं। जिन्होंने नहीं देखा अब तक देख ले सिलेबस। कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग का है। ये देखिए, मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग आ रही है। इसमें आपको पूरा मैथमेटिकल लॉजिकल और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, प्रोबेबिलिटी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेरिवेशन, रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशंस, यूनिफॉर्म नॉर्मल एक्सपोनेंशियल, पॉइजन, बाइनोमियल सेट, थर्ड अलजेब्रा सेट, रिलेशन फंक्शन ग्राफ, पार्शियल ऑर्डर्स, बूलियन अलजेब्रा एटसेट्रा, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, काउंटिंग, समेशन, जनरेशन फंक्शन, रिकरेंस रिलेशन, एसिम्प्टोटिक ग्राफ थ्योरी, कनेक्टिविटी, स्पिनिंग ट्री, कट, वर्टेक्स, एजेस आदि आदि आदि, लीनियर अलजेब्रा और न्यूमेरिकल मेथड, कैलकुलस भी है आपकी, ठीक है। फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो आ रही है, सबसे पहले डिजिटल लॉजिक, पूरी लॉजिक फैमिली उठा के यहाँ पर रख दिया गया है। जिसको देख लीजिएगा उतना ही लगाइएगा यहाँ पर। फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से आ रहा है, मशीन इंस्ट्रक्शन और एड्रेस मोड्स, ALU, डाटा पाथ, CPU, कंट्रोल डिजाइन, कंप्यूटर इंटरफेस, IO इंटरफेस, इंटरप्ट, DMA मोड। फिर एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन से आ रहा है क्वेश्चंस, मॉड्यूलेशन, एनालॉग मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, इन सबसे TDMA, FDMA, CDMA, प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर। अच्छा, प्रोग्रामिंग है इन सी, फंक्शन, रिकर्सन, पैरामीटर, पासिंग, स्कोप, बाइंडिंग, एब्स्ट्रैक्ट, डाटा टाइप्स, एरेज, स्टैक्स, क्यूज, लिंक्स, स्टैक्स ट्री, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी हीप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। इससे क्वेश्चंस एक दो बिल्कुल प्यारे प्यारे फंस जाते हैं, इसको जरूर देख लीजिएगा। एल्गोरिदम एनालिसिस, एसिम्प्टोटिक नोटेशन, नोटेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, ये जरूर देख लीजिए। ट्री ऑफ कंप्यूटेशंस, ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, रेगुलर लैंग्वेज ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री लैंग्वेज एंड पुश डाउन ऑटोमेटा, कंपाइलर डिज़ाइन पर आ रहा है, ठीक है।
ऑपरेटिंग सिस्टम पर आ जा रहा है, सीपीयू शील्डिंग, मेमोरी मैनेजमेंट एंड वर्चुअल फाइलिंग, डाटाबेस पर ईआर मॉडल, रिलेशन मॉडल एटसेट्रा, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन पर आ रहा है। आप देखिए, अब दूसरा सिलेबस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वही इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेम है लगभग। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखिए, डिजिटल लॉजिक एंड लॉजिक मिनिमाइजेशन, सब घुमा के सारा चीज़ सेम दिया हुआ है लगभग। फिर भी आप सिलेबस देख लीजिए दोनों का अलग करते हुए। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग, देखिए वही चीज़ें लिखी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स, बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिक, स्ट्रक्चर मॉडलिंग, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, देखिए DBMS यहाँ डाल दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन, ठीक है, इंटरनेट वेब प्रोग्रामिंग, वर्किंग विद यूजर इंटरफेस, यहाँ जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी एटसेट्रा आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी सिलेबस वही है, बस वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस चेंज हो जा रहा है, ये पेपर तो पहले ही हो चुका है। उस दिन CS का पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो जाएंगे वो CS का ही पेपर पाएंगे, ये बात एकदम क्लियर माइंड में रख लें। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस अब आने वाले पेपर में नहीं आएगा, ये पेपर हो चुका है, ये पेपर की थ्योरी मतलब पिछले पेपर में हो चुकी है। अच्छा, क्लियर कट बात एक बार बता देते हैं आप लोगों को कि जो है, जो ये दोनों पेपर होने हैं आपके, ये साइंटिस्ट ऑफिसर SB और साइंटिस्ट असिस्टेंट के, जिन्होंने दोनों फॉर्म भर रखा है और ईमेल ID और मोबाइल नंबर सेम दे रखा है, उनका सेंटर सेम पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली साइंटिस्ट असिस्टेंट ए का पेपर पहले होगा और साइंटिस्ट ऑफिसर SB का पेपर बाद में होगा, सेम सेंटर पे होगा। जिन्होंने अलग अलग ईमेल ID, अलग अलग मोबाइल नंबर देकर दिमाग लगाया है, वो सफ़र कर सकते हैं, हो सकता है उनका सेंटर अलग अलग पड़ जाए। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये देनी थी कि 3 घंटे का पेपर ज़्यादातर होने की चांसेस हैं, क्योंकि पिछली बार 3 घंटे का पेपर हुआ था। और लास्ट टाइम, बिल्कुल लास्ट टाइम जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जो कि मैंने डेट बताई 13 नवंबर को, उस टाइम मैं कुछ वीडियो डालने वाला हूँ, उससे 100% चांस है क्वेश्चन फंसने के। आप लोग बिल्कुल मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए लगातार कि नीलेट पर मैं क्या वीडियो डाल रहा हूँ। वैसे मैं IS PCS और इन सब से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, लेकिन नीलेट पर खास मैं फोकस कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आप लोग बिल्कुल देखते रहिए, बिल्कुल लास्ट टाइम जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उस टाइम बिल्कुल बहुत ध्यान देकर अभिल गुरु एजुकेशन को आप देखते रहिएगा, क्योंकि उस टाइम जो भी क्वेश्चन मैं इस पर डालूंगा उसके फंसने के चांसेस 100% हो गए। तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब करा है वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। थैंक्स अ लॉट, मुस्कुराते रहिए आप लोग।